श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अहंकार में डूबे हुए इंसान को ना तो खुद की गलती दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाई। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जब तुम्हें चलना है खुद के पैरों पर। किसी भी इंसान से ज़्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आपका हृदय होता है। यह जितना निर्मल और निष्पाप होता है, सारे तीर्थ उतने ही आपके आसपास होते हैं। कर्मों की आवाज़ शब्दों से ऊंची होती है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह वह पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। आप कभी भी जान नहीं पाओगे कि आप कितने मजबूत हो, जब तक मजबूत होने के सिवाय आपके पास कोई और विकल्प ना हो। अकेले खड़े होने का सामर्थ्य रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध ही क्यों न हो। तुलसी को वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए, ढोर माता पिता न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। यानी तुलसी को कभी भी वृक्ष न समझें, गाय को कभी भी पशु न समझना चाहिए, माता पिता को मात्र मनुष्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये तीनों परम ब्रह्मा के रूप हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते और सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। परेशानी आए तो ईमानदार रहो, धन आ जाए तो सरल रहो, अधिकार मिलने पर विनम्र रहो और क्रोध आने पर शांत रहो, यही जीवन का प्रबंध कहलाता है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। जिस व्यक्ति को बदलना संभव ना हो, उस व्यक्ति के प्रति अपनी मनोस्थिति बदल दो, उसे कुछ हद तक आनंद तो प्राप्त ही होगा। परिस्थितियों का तीन प्रकार से सम्मान कर सकते हैं। पहला, यह तो उसे स्वीकार करें। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दें। देखते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र लगाने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफल होने के लिए सूरज से पहले जगना और पूरे दिन घोड़े की भांति दौड़ना पड़ता है, तभी सफलता मिलती है।